राशन कार्ड मेरे पास नहीं, मैं सरपंच से बात किया जाके, 26 जनवरी की ग्राम सभा में जाके बात की, तो उन्होंने कहा कि आप लोग एक फार्म मिलता है राशन कार्ड का, वो लेके आओ तो हम आप उसमें सिर दस्तखत कर देंगे, तो आप चले जाना तहसील और तहसील में जाके जमा कर देना, तो वहाँ से बन जाएगी ऐसा काम। तो फिर मैं फार्म व्यवस्था किया और उनके पास जाके सील दस्तखत करवाया। करवाने के बाद उमरिया गया तहसील में, तो तहसील में जब गया मैं तो लोक सेवा केंद्र में दिया, तो वो लोग देखे, देखने के बाद बोले नहीं आपका यहाँ नहीं लगता है, आपका बांधोगढ़ तहसील कार्यालय अलग है, वहीं कलेक्ट्रेट में। तो फिर वहाँ गया मैं, तो वहाँ की मैडम मिली और मैडम के पास जब मैं जमा किया तो वो देखी और देखने के बाद बोलते हैं कि ये आपके कागजात तो सही हैं लेकिन इसमें आपके नाम से आईडी अलग चाहिए। तो आईडी परिवार आईडी नंबर में अलग नहीं था मेरे भाई लोगों के साथ में। तो फिर वहाँ से मैं दूसरे दिन करकेली ब्लॉक गए, करकेली ब्लॉक जाके फिर वहाँ से आईडी अलग करवाया। आईडी अलग करवाने के बाद एक सप्ताह बाद फिर मैं उमरिया जाता हूँ उस कागज़ को लेकर, तो फिर पैसे मांगते हैं कि आपको 1500 रुपये चाहिए तो आपकी फार्म जमा होगा। तो भाई साहब मैंने जमा नहीं किया, मैं वापस आ गया और अभी तक नहीं किया हूँ जमा। फिर जब गांव में आके अपने गांव के पंच से बात किया, तो पंच फिर रोजगार सहायक से बात किया कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए क्या जुगाड़ है। तो रोजगार सहायक बताया कि अगर उनकी पत्नी के नाम से जाति प्रमाण पत्र हो तो आप भेज दो। तो फिर मैं उस पंच को जाति प्रमाण पत्र दिया और वो रोजगार सहायक तक भेजा, और आज तक उन्होंने नहीं बताया मुझे कि आपका कूपन बन गया या नहीं बना है, अभी तक नहीं बताया। इसी बीच में फिर मार्च से लॉकडाउन हो गया, जिसमें लॉकडाउन में मेरा नाम तो वही था जमा, उसमें 5 किलो चावल मिले, मैंने 5-5 किलो तीन लोगों के नाम से है। जाप कार्ड बहुत पहले बन गया, जाप कार्ड कुछ दिन चला है और फिर जैसे 100 हाजिरी होने के बाद फिर जाप कार्ड को कुछ काम के नाम से सभी लोगों का कार्ड जमा कर लिए। अब परिवार चलाने से हमको चाहे मजदूरी पड़े और चाहे कहीं से उधारी करना पड़े, परिवार तो चलाना है,